अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। जी हां, बदमाशों ने ज्वेलर्स से दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे डाला। ज्वेलर से दो बैग लूटकर बदमाश फरार हो गए। बदमाशों ने लूटे करीब 12 किलो चांदी से भरे बैग। बाइक सवार तीन बदमाशों ने इस पूरी लूट को अंजाम दिया। फायरिंग करते हुए फरार हुए बदमाश। दिन दहाड़े लूट की वारदात से हड़कंप मचा। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अतरौली के जीरोली धूम सिंह की यह पूरी घटना। प्रमोद हमारे संवाददाता, और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रमोद कुमार, ये पूरी घटना दिन दहाड़े कैसे अंजाम दे दी गई? देखिए, सही कहते हैं, कानून को ठेंगा दिखाना, और बेखौफ अपराधी जहां चाहे वहां अपराध की वारदात घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और सीधे तौर पर अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र की जिरोली धूम सिंह गाँव पड़ता है। एक ज्वेलर से अपने घर से दुकान खोलने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान दुकान का ताला उन्होंने शटर खोला है। इसी दौरान तीन बाइक सवार बदमाश आते हैं और बेधड़क बेझिझक होकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और उसके अलावा फायर करते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस के आला अफसरों को मिलती है तो पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचते हैं। बदमाशों की पकड़ के लिए जो बॉर्डर सीमाएं वो सीमाएं सील करा दी गई है और तमाम पुलिस प्रयास पकड़ने कर रही है। इसके अलावा घटना जो बता रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, तो थोड़ी देर बाद सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ में अपराध कहीं भी अंकुश लगने का नाम नहीं ले रहा। बेधड़क बेझिझक बदमाश लूट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले ही लगभग अलीगढ़ में 35 लाख रुपए की लूट हुई थी और अलीगढ़ पुलिस उसमें खोलने में नाकाम रही थी। नोएडा पुलिस ने बाकायदा उन तीनों बदमाशों का एनकाउंटर किया था। उसी के चलते दूसरे सुनार यानी ज्वेलर्स को फिर दोबारा निशाना बना लिया और आज एक 12 किलो चांदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। कहीं ना कहीं ये लूट की जो वारदात है ये पुलिस को ठेंगा ही दिखाना मानेंगे इसे। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से तीन बदमाश आए, दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए, तो पुलिस आखिर इन्हें पकड़ पाने में कब तक कामयाब रहेगी या नहीं, ये आने वाला। अच्छा, बाकायदा ऐसा लगता है कि पूरी रेकी इन बदमाशों ने की। उन्हें पता था कौन सा शख्स किस वक्त दुकान का शटर खोलता है, उसके हाथ में क्या कुछ होता है। तो पुलिस अब जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें ये कोशिश कर रही है कि किसी ने क्या कोई सुराग दिया बदमाशों को, किसी की कोई मिलीभगत थी दुकान के कर्मचारी की। देखिए, पुराना जो वक्त होता था वो सीधे तौर पर ये होता था कि गांव में पुलिस के इतने अच्छे संबंध जनता से होते थे कि अगर कोई भी अपराधी अपराध की वारदात को अंजाम देने जाता था उससे पहले निश्चित तौर पर वो सूचना पुलिस पर पहुंच जाती थी और घटना को अंजाम नहीं दे पाता था। आज जो वक्त आ गया है वो पुलिस और जनता के बीच पहले तो इस तरीके की इतनी दूरियां हो गई हैं कि गांव में अगर अच्छी तरीके से किसी व्यक्ति को ये मालूम हो कि ये बदमाश कल लूट की वारदात को अंजाम देगा मगर वो नहीं बताता। कारण यह है कि तमाम जगह ऐसी देखने को कई सीन ऐसे देखने को मिले कि कोई व्यक्ति। बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।